हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे एक डाउटफुल क्वेश्चन दे रिगार्डिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस नहीं किया सीगा, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ए वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर की करैक्ट दिता है। देखो इस क्वेश्चन की होएगा द डेजोल्यूशन ऑफ, ठीक है, अमोनियम एसीटेट इन वाटर इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब डेल्टा जी की हो जाएगा नैगेटिव हो जाएगा। इस किसी ने डाउट नहीं सी, ठीक है, सारी ऑप्शन डेल्टा जी नैगेटिव दिता है। उस तो बाद एंड टेंपरेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस, वट आर द साइंस ऑफ एच एस एंड जी इन दिस प्रोसैस। हूँ तुम ध्यान देखो, अपने को जो तो अमोनियम एसीटेट को अपने वाटर के अंदर डिजोल्व किया, मतलब सॉलिड तो लिक्विड स्टेट जा रहेगा, तो एंट्रोपी की हो रही है, इनक्रीज हो रही है। सॉलिड तो अपना लिक्विड स्टेट के अंदर जा रहे हैं, तो एंट्रोपी इनक्रीज हो रही है, मतलब डेल्टा एस का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा एस ग्रेटर दैन जीरो, मतलब ए वाले दो ऑप्शन तो अपने को कट गए थे। हूँ जो अपने को डाउट सगा वो ऑप्शन नंबर ए तो ऑप्शन नंबर सी चा। हूँ देखो जो तो अपने अमोनियम एसीटेट को वाटर के अंदर पाया तो अपने को हो रहा है, बेसिकली टेंपरेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब अमोनियम एसीडेट ने सोल्यूशन के अंदर कुछ की होगी, हीट अब्जॉर्ब की होगी, ता ही सोल्यूशन की हो रहा है, कूल हो रहेगा, मतलब जो भी हीट अब्जॉर्ब होंगी है तो उस केस डेल्टा एच की होंगे गा पॉजिटिव होंगे गा। जो भी हीट अब्जॉर्ब होंगी है उस केस डेल्टा एच पॉजिटिव होंगे गा, तो वह की होंगे एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसैस होंगे गा, एंडोथर्मिक प्रोसैस होंगे गा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल करैक्ट सगा, इसलिए इसमें मैं ऑब्जैक्शन वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। जिसका प्रूफ चाहिए देखो, प्रूफ एक केड़ी बुक है अपने को, पी एस पी बुक का मैंने स्क्रीनशॉट लिया गा, ठीक है, पी एस पी बुक क्लीयरली लिखा हुआ है इनथैल्पी ऑफ सोल्यूशन च। ठीक है, देखो इट इज़ वैल नोन दैट वैन अ सल्यूट इज डिजोल्व इन अ सल्यूट सॉल्वेंट हीट इज आइदर अब्जॉर्ब और हीट इज इवॉल्व, मतलब जो भी किसी सल्यूट को अपना सॉल्वेंट के अंदर पाएंगे या तो हीट निकलती है या हीट अब्जॉर्ब होंगी हैगी। द डेजोल्यूशन ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट इज अकंपनीड बाय इनथैल्पी चेंज, मतलब डेल्टा एच चेंज नाल। ठीक है, इफ हीट इज अब्जॉर्ब्ड, ठीक है जी, हीट अब्जॉर्ब होंगी हैगी, द सोल्यूशन इज कूलर, मतलब सोल्यूशन की हो रहा है, कूल हो रहेगा। ठीक है, जेड़ा कि अपने केस भी है, देखो रे सोल्यूशन की हो रहा है जी, अपने केस कूल हो रहा है, करे द टेंपरेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजस, तो इस केस डेल्टा एच की होएगा, डेल्टा एच इज पॉजिटिव साइन, मतलब डेल्टा एच का की होएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब जेड़ा कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही एक्सप्लेन किया गया। उस अलावा अगे देखो, इफ हीट इज इवॉल्वड एंड द गिवन एंड गिवन टू द सोल्यूशन इज वार्मर, मतलब गर्म हो जाता है सोल्यूशन, एंड डेल्टा एच इन दैट केस इज नैगेटिव एज यूजुअल। ठीक है, एज यूजुअल, देखो हम क्लीयर हो रहा है ना कि उरू अपने को डेल्टा एच का साइन की आना सगा, पॉजिटिव ही आना सगा, तो यह आंसर जो आंसर की जाए बिल्कुल करैक्ट दिता है, इस कोई ऑब्जैक्शन नहीं लग सकती। बट स्टिल जिन्हें स्टूडेंट्स को डाउट है वो जरूर ऑब्जैक्शन पाना है क्वेश्चन च। ठीक है जी, स्टिल डाउट है थोड़ी, कोई होर एक्सप्लेनेशन है, कोई होर बुक का रेफरेंस मिल जाएगा, तो डेफिनेटली तुम ऑप्शन सी ते ऑब्जेक्शन कर सकते होंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन यही सही है जिस तरह आंसर की अंदर मैंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।